देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में 26 मई को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन में इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज टिबड़ीवाल ने। हम इस समय राष्ट्रपति भवन के उस लान में खड़े हैं जहां पर देश के भावी प्रधानमंत्री 26 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और यहां पर राष्ट्रपति भवन में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं कि नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। इसके अलावा साफ सफाई का भी काम चल रहा है, फूल पत्तियों को सहेजने का काम चल रहा है। राष्ट्रपति भवन को चाक चौबंद सुरक्षा के दृष्टिकोण से और इसके अलावा सुंदर बनाने का काम, रंग रोशन करने का काम किया जा रहा है। ऐतिहासिक पल होगा 26 मई का वह दिन शाम को 6 बजे जब नरेंद्र मोदी इसी जगह पर इसी लान में बड़ी संख्या में हजारों लोगों के बीच में शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भी यहाँ पर उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे जब 26 मई को शाम 6 बजे जो है देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ग्रहण करेंगे। सारी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि देश के नए प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाया जा सके। और इसके लिए राष्ट्रपति भवन के सभी कर्मचारी लगातार पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अब सभी को इंतजार है 26 मई को शाम को 6 बजे का। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण चीज है जो तय होनी बाकी है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे होंगे, किन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी और किन पोर्टफोलियो के साथ, इस बात का सभी को बेकरारी से इंतजार है। कैमरामैन सीके अशोक के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश डीडी न्यूज दिल्ली।